तो चलिए दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, दो तीन ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, दो तीन न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं और इसी की वजह से शेयर जो है बिल्कुल अपर सर्किट को टच करने वाला है, या हो सकता है अपर सर्किट टच भी कर दिया है। अपर सर्किट कितने पे है इसका? 368 रुपये 35 पैसे। हाँ, तो ये तो अपर सर्किट ही हो गया। हाँ, यहाँ पे देखिए 11 लाख के आसपास इक्विटी शेयर जो है इसमें अपर सर्किट पे लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी लग गया है क्योंकि मैं अभी जब वीडियो बना रहा था तो 1-2 रुपये का डिफरेंस था, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज़ न्यूज 30 तारीख की इसकी न्यूज आई है। यहाँ पे NSE BSE की वेबसाइट पे आप लोग देखोगे तो 30 नवंबर 2023 को यहाँ पे लगभग लगभग 6 बजे के आसपास की ये न्यूज आई है। और इस न्यूज में इसको के एक सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ बताया जा रहा है, ठीक है ना, पावर मिनिस्ट्री के तरफ से, बिजली मंत्रालय की तरफ से, ठीक है ना। तो देख सकते हो लोएस्ट बिडर इनको जो है घोषित किया गया है, ये एक खबर निकल के सामने आ रही है। और एक मनी कंट्रोल पे भी यही ऑर्डर के बारे में बताया जा रहा है, या कहीं और दिया जा रहा है कि यहाँ पे बोट आधारित इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 2 ऑर्डर मिले हैं, ठीक है ना। सीधा सौदा के टीम में उनके जो है बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि बोट आधारित इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं, तो ये है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये 2-3 ऑर्डर मिला है और इसकी वजह से इसमें तेजी देखने के लिए मिला है। यहाँ पे सब मैं कन्वर्ट करके भी पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे 1 मंजूरी यहाँ पे देखेंगे तो वहीं 1 ऑर्डर के बारे में यहाँ पे भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली इन्होंने जीती है, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय की तरफ से, ठीक है। तो इसी न्यूज को हो सकता है यहाँ पे भी डिस्कस किया जा रहा है। और यही एक ही अपडेट आया है और कोई अपडेट नहीं आया है ऑफिशियली अगर हम लोग देखेंगे तो, ये 30 तारीख का, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसमें तेजी हो रही है। बाकी अगर हम लोग लास्ट डील देखेंगे दोस्तों, तो लास्ट डील कल की कुछ भी नहीं हुई है। हाँ, अगर मनी कंट्रोल पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें तेजी का एक और कारण बताया जा रहा है जो पहले से ही है, ये कोई छुपा छुपाया नहीं है, कि अपनों को एरिडा का जो IPO आया था वो भी कंपनी फाइनेंस कंपनी ही है और एक पर्टिकुलर सेक्टर को फाइनेंस करती है, और इसी तरह से ये भी जो है पावर को ही जो है फाइनेंस करती है और वो भी पावर को ही फाइनेंस करती है, ठीक है ना। तो दोनों मतलब एक सिमिलर कंपनियां हैं। तो इरिडा को भी जो देखेंगे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है लिस्टिंग के दिन पे, हालांकि आज थोड़ा बहुत हो सकता है दबाव में दिख रहा था सुबह में मुझे, लेकिन इरिडा और भी पावर फाइनेंस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को वो फाइनेंस करती है, और ये जो है पूरा पावर जो है पावर सेक्टर को फाइनेंस करती है, PFC, ठीक है ना। सिमिलर कंपनियां हैं तो उसको जो ज़्यादा अगर वैल्यूएशन दिया जाएगा तो उसकी पीयर ग्रुप की कंपनियों का भी वैल्यूएशन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसके शेयर में भी तेजी देखने के लिए कुछ दिनों में मिली है, जो आप लोगों के सामने दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि छुपा छुपा है यहाँ पे कुछ भी है। 80 रुपये से ये शेयर जो है अभी 360 रुपये 70 रुपये पे ट्रेड करा, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कितना इसको जो है मिला है। हाल फिलहाल में इसने बोनस भी दिया था, तो बोनस का भी अपडेट मैं आप लोगों को बताया था, और बोनस के लिए मैं आप लोगों को बताया था 230-235 रुपये के आसपास खरीदारी करने के लिए, 212 रुपये पे मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया था। ये सारी लाइन तभी की लाइन लगी हुई है। और जो टारगेट भी मैं बताया था आप लोगों को, पहला टारगेट 300 बताया था, तो वो तो पहले बहुत पहले दे चुका है। अभी जो है वो 350 वाला जो मैं टारगेट दिया था आप लोगों को, उसको भी ऊपर आज के डेट में ब्रेक कर दिया है। तो दोनों टारगेट जब मैं बोनस जब घोषित हुआ था इसमें 1:3 के आसपास का कुछ रेशियो था, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तब का जो मेरा दोनों टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। हाँ ठीक है, 1:4 था, सॉरी, ठीक है ना, अगस्त में दिया था, सितंबर में रिकॉर्ड डेट था, तो उस समय का जो मेरा दोनों टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अभी क्या करना है, देखिए बड़ी तेजी के बाद खरीदारी करना रिस्की थोड़ा सा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसी कैंडल के नीचे का, या फिर कह लें कि आप लोग ठीक है 50 तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इस कैंडल के नीचे का आप लोग चाहो तो स्टॉप लॉस, मतलब 335 रुपये के नीचे का आप लोग चाहो तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के छोटी छोटी क्वांटिटी में 2-3 खरीदारी आप लोग कर सकते हो। पहली खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरी खरीदारी या तो नीचे आएगा तो 300 के प्राइस पे, या फिर ऊपर हम लोग अच्छे से कंडीशन देख के कर लेंगे, तो छोटी मोटी एंट्री हो सकती है। बाकी बड़ी एंट्री के लिए देखिए बहुत तेजी के बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अभी भी इसमें ग्रोथ है और 500 रुपये का अभी भी ये टारगेट ऊपर के साइड में दे सकता है, ऐसी मुझे संभावना जो है वो दिख रही है, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग, आगे भी इसकी वीडियो मैं बनाते रहूंगा, और जिस स्टॉक को पकड़ता हूं उसको मैं छोड़ता नहीं हूं जल्दी,
तो प्लीज करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।